अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई गेस सबने ज्वाइन कर लिया। स्टार्ट करें। जी मिस खदीजा, अगला सवाल मेरा आपसे, सवाल यह है कि अब हिस्ट्री टेकिंग हमने कर ली, हमें सिम्टमोलॉजी का आइडिया हो गया कि क्या क्या सिम्टम्स है, ठीक है। तो अब हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है वो अप्लाई करने होते हैं। हम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में तो सीख लेते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट बेसिकली होते क्या हैं, लेकिन इनको एडमिनिस्टर करने का तरीका भी हमने थ्योरेटिकली पढ़ा होता, प्रैक्टिकली इतना नहीं आता। तो थोड़ा सा आप उस हवाले से ज़रा गाइड करें अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से साइकोलॉजिकल टेस्ट को एडमिनिस्टर किया जाता है, और कैसे हम सिनेरियो बेस्ड सिनेरियो के मुताबिक जो है टेस्टिंग को कैसे अप्लाई करते हैं, विद फ्यू एग्जांपल्स अगर आप एक्सप्लेन कर दें। थैंक यू। जी थैंक यू अजका। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खदीजा असलम है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2012-11 से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा, मैडम ने सवाल किया है कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को सिनेरियो बेस्ड किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग सीख लेते हैं। मैं आजकल जिन बच्चों को पढ़ा रही हूँ, बीएससी के बच्चों को पढ़ा रही हूँ आजकल फ्रेंडली, तो उनके यहाँ भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है। तकरीबन तकरीबन 16 टेस्ट दिए हुए हैं। जब आप दूसरी मास्टर्स की तरफ मूव करते हो तभी थेरेटिकली आपके पास टेस्ट आ जाते हैं। मसला ये आता है कि उसको एडमिनिस्टर कैसे करना है। तो अपने एक्सपीरियंस से, जो कि अभी उन लोगों के लिहाज से जो ऑलमोस्ट 30-30, 40-40 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ हैं, तो उनके हवाले से तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है। तो चले मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताती चलती हूँ कि जो ही आप अपना मास्टर्स यानी कि एमएससी करते हैं या बीएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी ग्रेजुएशन जो है आप अपनी करते हैं, आप कहीं ना कहीं इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, जिस भी क्लिनिकल सेटिंग में आप जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, सॉरी जी एक सेकेंड, हॉस्पिटल में जाएं आप या क्लिनिकल सेटअप में चले जाएं, जैसे कि रिहैब सेंटर्स होते हैं, कोई चाइल्ड का सेंटर है या कोई और मुख्तलिफ किस्म के, जो जैसे बारी साहब ने एक्सप्लेन किया था, मुख्तलिफ किस्म के सेंटर्स हैं जहाँ पे स्केल्स को यूज करना हो तो वहाँ पे वो आपको सिनेरियो बेस्ड जो टेस्टिंग होती है वो सिखाते हैं। डिप्रेशन के लिए BDI वगैरह एडमिनिस्टर किया जाता है, एनजाइटी के लिए भी बेक का जो है वो स्केल यूज किया जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया के लिए अलहदा है, MMPI है, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, जो कि ऑलमोस्ट 500 to 600 क्वेश्चंस पे मुश्तमिल होता है। मेन जुमला कहने की बात ये है कि जब भी आप प्रैक्टिकल सेटिंग्स में जाते हैं वो डेफिनेटली आपको टेस्टिंग सिखाते हैं। मेरा मशवरा ये होगा कि जिन सेटिंग्स में आपको जो है टेस्टिंग नहीं सिखाई जा रही, आप उन टेस्टिंग में जाके सवाल कीजिए कि भाई हम जो पे करके आ रहे हैं इधर, डेफिनेटली आपका इंस्टीट्यूट जो है पे कर रहा होता है। और अगर आप खुद भी इंटर्नशिप के लिए जाते हो इंडिपेंडेंटली कहीं पर, तो आप पे करके जो है वो वहाँ पे अपनी सर्विसेज उनकी हासिल कर रहे होते हो, तो आप वहाँ पे जाके बताइए कि जी फलाना फलाना डिसऑर्डर के साथ हमारे पास पेशेंट आया है। हो सकता है प्राइवेटली कोई आपको एज एन असिस्टेंट रख ले, हो सकता है किसी जगह पे आप एज ए स्टूडेंट काम कर रहे हो, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो वहां जाके आप उन्हें बताइए कि फलाने फलाने डिसऑर्डर्स के साथ हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, आप हमें ये टेस्टिंग सिखाइए, ठीक है। मजीद इसका क्या किया जा सकता है, आजकल YouTube गूगल का दौर है, दुनिया ग्लोबल विलेज है। अगर आप रिसर्च की पर्पस के लिए अपना जो है टेस्टिंग, सॉरी जी ये एक्चुअली मेरी बिल्ली मुझे तंग कर रही है, आई एम सो सॉरी। अगर आप इसके लिए जाते हैं, आई एम सॉरी, मैंने रोका था। हाँ, अगर आप जो है वो अपने स्किल्स के बारे में उन इंस्टीट्यूट से बात कीजिए कि भाई ये हमें सिखाइए। बात हो रही थी दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, अगर आप रिसर्च पर्पस के लिए भी कोई स्केल ढूंढना चाहते हैं, सबसे पहले उसका तरीका ये होता है कि गूगल पे जाइए, उसके स्कॉलर पेज पे जाइए, स्कॉलर पेज पे जाके रिसर्च अपना प्रोजेक्ट का नाम लिखिए, उससे रेलिवेंट 100 के करीब रिसर्चेस निकालिए, छंटी कीजिए। छंटी करने से मुराद के उसको यानी सॉर्ट कौन सी रिसोर्सेज आपसे रेलेवेंट नहीं है उनको पढ़िए, उनमें से स्केल्स निकालिए। स्केल्स के लिए ऑथर्स को ईमेल कीजिए कि भाई हमारे पास ये स्केल है, क्योंकि अब तो एक के बजाय हजारों स्केल्स आ चुके हैं और सबकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी होती है, स्पेशली वो रिसर्चेज जो कि वेस्टर्न साइड पे की गई हो, बहुत अच्छी वैलिडिटी रिलायबिलिटी होती है। तो आप उनके ऑथर्स को ईमेल कीजिए कि भाई हमें स्केल दीजिए,
और फिर अगर आप वो स्केल्स अपनी रिसर्च के साथ साथ अपने पार्टिसिपेंट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं तो इससे बेहतर बात और मेरा ख्याल है कोई हो नहीं सकती। मैं मजीद चाहूंगी कि बारी साहब अगर इसमें अपनी तरफ से ऐड करना चाहें या हमारी मैडम अस्का जो है अगर वो इस क्वेश्चन में कुछ ऐड करना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। टेस्टिंग के हवाले से मैम ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। मैं इसमें यहाँ पे थोड़ी सी एडिशन कर देता हूँ कि जनरली हम कौन कौन से टेस्ट जो है एडमिनिस्ट्रेट कर रहे होते हैं, यूज़ होते हैं, तो वो इस तरह के टेस्ट जो आप थ्योरेटिकली स्टडी आउट करके ही आते हैं जब आप इंटर्नशिप करते हैं, तो आइडिया आपको बेसिकली पहले होता है, आप सीखते हैं वहाँ पे ये है कि आप उनको एडमिनिस्टर किस तरह से करेंगे, पेशेंट के साथ किस तरह से आपने जो है एक रेपो बिल्ड करने के बाद एक टेस्टिंग जो है करनी है, क्योंकि बाज़ जगह पे आपने चीज़ें इंक्वायर करनी होती है, बाज़ जगह पे पेशेंट जो है वो खुद उनको फिल आउट कर रहा होता है। तो जनरली जो टेस्ट यूज हो रहे होते हैं वो आपको आइडिया होता है कि जैसे डिप्रेशन के लिए BDI हम यूज कर रहे हैं, एक स्केल है जिसकी बेस के ऊपर रेटिंग एक स्केल है और हम रेटिंग करके बताते हैं कि जिसके डिप्रेशन के लिए स्केल है ये चीजें, या BAI एंग्जाइटी के लिए आप यूज कर लेते हैं। जी जी बारी साहब जी जी आपकी जो वॉइस है ना वो डिस्टॉर्ट, आपकी वॉइस डिस्टॉर्ट हो रही है। मैं कोशिश करता हूँ दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो स्केल्स हैं जनरल वो हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन के लिए हम BDI स्केल यूज करते हैं, एंग्जाइटी के लिए BAI है, इस तरह डिफरेंट डिसऑर्डर के लिए स्केल्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपको जनरली गूगल से भी मिल जाते हैं, नहीं तो आपके पास डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है साइकोलॉजी की जो है लैब्स मौजूद होती हैं, तो वहाँ से भी आप डिफरेंट टेस्ट को यूज कर सकते हैं। जब आप एक केस को डील कर रहे होते हैं तो उसमें आप सिर्फ एक स्केल को यूज नहीं करते कि जिसके बेस पे आप डायग्नोज करेंगे, आप उसके साथ कुछ टेस्ट को ऐड करते हैं जनरली, जिनके अंदर आप फॉर एग्जांपल उसकी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट देखना चाहते हैं उस पर्सन की, कि उसकी इंटेलिजेंस की लेवल क्या है, तो उसमें जनरली हम BGT बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट जो है उसको यूज कर लेते हैं। उसमें 10 से 12 जो है पिक्चर्स हैं, फॉर्म्स है, तो वहाँ से आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? जी बिल्कुल, आपकी आवाज क्लियर है। जी, इसके अलावा आप अगर उसके पर्सनालिटी पैटर्न्स को देखना चाहते हैं तो उसमें जनरली हम TAT को यूज कर लेते हैं, 16 PF हमारे पास है, पर्सनालिटी फैक्टर्स का टेस्ट है, उसके अलावा रोशाक है, ये डिफरेंट टेस्ट हैं। आप ये डिपेंड करेगा उस चीज के ऊपर कि वो पेशेंट किस कंप्लेंट के साथ है, उसके क्या किन फैक्टर्स को एक्सप्लोर करना जरूरी है, उसके बाद आप फिर ये टेस्ट को जो है सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बाद उसकी स्कोरिंग और उसका मैनुअल जो है वो आपके पास होना चाहिए। जब आप किसी टेस्ट के रिजल्ट को डिफाइन करेंगे रिपोर्ट राइटिंग के अंदर, तब आप उसके मैनुअल का हवाला देंगे कि उस मैनुअल इसकी ये चीजें जो है बताई गई हैं, स्कोरिंग उसकी ये है, तो हमने उस हिसाब से जो है केस का जो है रिजल्ट जो है पुट आउट किया। बड़े अच्छे से आप दोनों ने एक्सप्लेन कर दिया। इसमें एक चीज ये है कि टेस्ट हमारे जैसे डिप्रेशन है उसके लिए डिप्रेशन इन्वेंटरी है, और साइकोटिक के लिए साइकोटिक छोटी छोटी बड़ी स्किल्स बने हुए हैं। जो प्रेडिक्टिव टेस्ट है ना बेसिकली उसके अंदर क्या होता है कि क्योंकि आपका जो मीडियम है वो क्लियर नहीं होता, ठीक है, तो उससे बड़ा फायदा होता है कि जो हिडन चीजें हैं जो आप उन टेस्ट के थ्रू डायरेक्टली नहीं, ये जैसे कि कुछ इंटेलिजेंट पेशेंट ज्यादा होते हैं तो वो मैनिपुलेट कर लेते हैं स्केल्स वगैरह को, तो प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है वो हमें इस चीज में हेल्प करते हैं कि हम जो हिडन चीजें उनको भी आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है खदीजा वो भी आपसे है कि जब हमारे सिम्टम्स आ गए, हमने टेस्ट वगैरह अप्लाई कर लिए हैं, ठीक है, तो अब हम उसको डायग्नोसिस कैसे देंगे, जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है, और डायग्नोसिस कन्फर्म होने के बाद ट्रीटमेंट प्लान जब हम बनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये इस हवाले से जो आप प्लीज बताएं। खदीजा आप साथ हैं हमारे? मिस अस्का आपकी वीडियो भी स्टक हो गई है और आपकी वॉइस भी डिस्टॉर्ट हो रही है। आपको क्वेश्चन रिपीट करूं मैं? जी प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए।
क्वेश्चन ये है कि जब हम हिस्ट्री टेकिंग कर लिए, असेसमेंट वगैरह कर ली, ठीक है, हमने टेस्ट अप्लाई कर दिए, तो उसके बाद हमने जो सा है डायग्नोसिस कैसे देना है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को कैसे यूज करते हैं हम लोग, और उसके बाद जो ट्रीटमेंट प्लान है वो हम कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, उस हवाले से थोड़ा सा आप। जी बिल्कुल, सर ने बताया, बारिश साहब ने बताया कि केस हिस्ट्री कैसे ली जाती है, केस हिस्ट्री के बाद एमएससी या एमएमएससी आ जाता है, उसके बाद हम डायग्नोसिस की तरफ जाती हैं। सर ने अच्छा खासा एक्सप्लेन किया अभी कि सबसे पहले जब भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को आप देख रहे होते हो तो आप प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाते हो, प्रोविजनल डायग्नोसिस फाइनल डायग्नोसिस से पहले जो आपके पास सिम्टम्स आती हैं जिसकी फेवर में और अगेंस्ट जो है आपके पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो फाइनल फिर जब जैसे जैसे सिचुएशन क्लियर होती जाती है, जैसे जैसे टाइम गुजर जाता आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो उस बंदे के बारे में, किन किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, फाइव पीज अमूमन कहा जाता है ना, यानी कि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, सबसे पहले प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स आ जाएंगी, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के बाद आ जाएंगे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स आ जाएंगे, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स के साथ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स आ जाएंगे, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स के साथ पेपिचुएटिंग फैक्टर्स आ जाएंगे, और फिर फिफ्थ हो जाएगा प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। अच्छा मैं बताती चलूँ, केस फॉर्मुलेशन में सबसे पहले आप क्या करते हो, जब आप ये चीजें कंसिडर कर रहे होते हो, मैं इनकी डिटेल में जाना पसंद करूंगी। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। बारी साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को ले रहे होते हैं तो उसके साथ साथ इन्फॉर्मेंट, यानी एक इन्फॉर्मेंट होता है, वैसे मैं जिन जगहों पे प्रैक्टिस करती हूँ वहां पे तो लोग इन्फॉर्मेंट के साथ नहीं आते, अमूमन लोग आते हैं इन्फॉर्मेंट के साथ किसी भी क्लिनिकल फिजिकल सेटिंग में। कोरोना के बाद से कुछ एडवांटेज ये हो गया है कि जो लोग घर से प्रैक्टिस करना चाहें वो ऑनलाइन घर से प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ लोगों को जिनको फिजिबल हो वो फिजिकली जाके प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये मैं उन लोगों का बता रही हूँ जो फिजिकली फिलहाल के लिए जो फिजिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके साथ एक इन्फॉर्मेंट होता है, इन्फॉर्मेंट से जो हिस्ट्री ले ली जाती है पेशेंट के मुतालिक के भी, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स बताएं आप, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के साथ साथ ड्यूरेशन पता कर लिया जाता है, ठीक है, इन्फॉर्मेंट से पता कर लिया जाता है, फिर काउंटर चेक के लिए उसे जो है पेशेंट के से, पेशेंट कह लें क्लाइंट कह लें, उसके साथ जो है भी वो किया जाता है, पेशेंट को कहा जाता है कि आप प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स बताएं, उसके साथ साथ ड्यूरेशन लाजमी देख लिया करें, एक फैक्टर है जो कि आपको फाइनल डायग्नोसिस में मदद कर सकता है। आते हैं जनाब फाइव पीस की तरफ। फाइव पीस क्या होते हैं, सबसे पहले तो आ जाएंगी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को जो है मैं वो बता चुकी हूँ, उसके बाद आ जाएंगे जी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ऐसी तमाम बायोलॉजिकल डिस्पोजिशंस जो कि आपको किसी भी बीमारी के लिए एलिजिबल बनाती हैं, उसको क्या कहा जाता है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, यानी प्रीडिस्पोज यानी कि पहले से आपके अंदर जेनेटिक मेकअप ऐसा था कि जैसे ही आपको मवाफिक माहौल फराहम हुआ आप उसकी तरफ जो है आप उसकी तरफ जैसे ही आपके जेनेटिक मेकअप को जो है वो मवाफिक माहौल फराहम हुआ आपकी जो बीमारी थी वो एलिसिट हो गई, उभर के सामने आ गई। कुछ ये फैक्टर्स होते हैं यानी कि जेनेटिक मेकअप हो गया, फैमिली की तरफ से जो कि हेरिडिटरी आपके अंदर रन कर रहा होता है ये चीज आ गई। दूसरी चीज क्या आ गई, सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स यानी कि सोशल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें के सोशल फैक्टर्स होते हैं कि आपका कोई भी स्ट्रेस आ गया कि इस किस्म का स्ट्रेस आ गया जिसमें आपकी बीमारी ने एलिसिट होना था तो वो फिर बीमारी एलिसिट हो जाती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स के साथ साथ यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ साथ सोशल फैक्टर्स के साथ साथ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके बारे में जब मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ तो मैं यही बताती हूँ, आप इस चीज को मद्देनजर रखिए कि एक सिचुएशन दो तीन लोगों पे सेम तरीके से इंटरप्ले कर रही है, ठीक है। अब दो लोगों ने तो डिसऑर्डर डिवेलप नहीं किया तो तीसरे बंदे ने डिसऑर्डर क्यों डिवेलप कर लिया, तो इसका मतलब है उसकी कहीं ना कहीं इमोशनल सेंसिटिविटी, इमोशनल अनस्टेबिलिटी, उसके पर्सनैलिटी फैक्टर्स, उसकी मुख्तलिफ चीजों को अगर मद्देनजर रखा जाए
मेन पॉइंट जिसमें प्राइमरी फैक्टर हम देखते हैं ना वो बायोलॉजिकल डिस्पोजिशन होती है, यानी कि बायोलॉजिकल डिस्पोजिशन ने सोशल फैक्टर्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या क्या चीजें थी, डिसेबिलिटी यानी कि कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, मेंटल डिसेबिलिटी है, जो कि फिलहाल कैच करने में नहीं आई, तो ये चीजें जो होती हैं वो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स के अंदर आ जाती हैं. आई होप मैं अच्छी तरह क्लियर कर पाई होंगी, अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे दरमियान में रोक के मुझे पूछ लीजिएगा. ठीक है जी. अच्छा, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स की मैंने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के बारे में बता दिया, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स के बारे में बता दिया. अब चलते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स की तरफ. प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स वो होते हैं जो कि ट्रिगर करते हैं किसी भी इलनेस को या पहले से मौजूद प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को वर्स कर देते हैं. ठीक है जी. अच्छा जी, नेक्स्ट करते हैं प्रेपिचुएटिंग फैक्टर्स की तरह. प्रेपिचुएटिंग फैक्टर्स वो होते हैं जो कि किसी भी चीज को मेंटेन कर रहे होते हैं, यानी कि इलनेस को मेंटेन करने में जो जो उनसे अवामिल कार फरमा होंगे हम उन्हें कहेंगे कि ये प्रेपिचुएटिंग फैक्टर्स हैं. मिसाल के तौर पे कोई भी बंदा जब एंजाइटी डिप्रेशन से सफर कर रहा होता है तो भाई पैसे होंगे तो जाके इलाज करवाएगा ना, हुकूमती अस्पताल तक जाने के लिए भी तो बाइक या कार में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा ना. जो पहले ही गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहा है, गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहा है, या मिसाल के तौर पे उसके घरेलू मामलात ऐसे हैं कि उसको पैसा जो है वो बाकी कामों में खर्च करना पड़ रहा है, जबकि उसकी इलनेस जो है वो साइड पे लगी हुई है और वो इलनेस पे नहीं खर्च कर पा रहा, तो वो किस तरह से फिर मेंटेन करेगा चीजों को. तो एक तरह के फाइनेंशियल फैक्टर्स जो है उसकी बीमारी इंटरप्ले कर रहे होंगे. हो सकता है सपोर्ट सिस्टम, यानी उसका फैमिली सपोर्ट सिस्टम पहले पहले तो बहुत अच्छा हो, लेकिन बाद में वो उसकी बीमारी को वैलिडेट ही ना कर रहे हो, उनको समझ ही ना पा रहे हो, बस कह रहे हो यार ये आप अपनी तरफ से कर रहे हो, आप अपने सवार ज्यादा कर रहे हो, चलो कोई जरूरत नहीं है साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की. तो इस तरह के फैक्टर्स जो है वो प्रेपिचुएटिंग फैक्टर्स कहलाते हैं. और सबसे लास्ट में आ जाते हैं हमारे पास प्रोटेक्टिव फैक्टर्स. ये बिल्कुल सारे फैक्टर्स के अगेंस्ट हैं. प्रोटेक्टिव फैक्टर्स से मुराद होती है कि कोई भी चीज जो आपकी बीमारी से आपको पनाह में ले रही है. अब वही बात आ जाती है कि फैमिली एक हद तक तो एडेप्टेबिलिटी शो करती है, उसके बाद सारे हाथ उठा देते हैं कि जाओ जाओ किसी साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ. अच्छा, उससे भी बात नहीं बनी जब साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट उसकी फैमिली को बुलाते हैं, उन्हें साइको एजुकेट करते हैं कि भी पेशेंट के साथ ये मसला है और ये जानबूझकर अनस्टेबिलिटी नहीं दिखा रहा, इसकी बीमारी इससे ये करवा रही है, तो फिर वो कहीं जाके कायल होते हैं और उसके बाद उसको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, उसको फाइनेंशियली हेल्दी करवाते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं. तो ये चीजें जो आती हैं वो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में आ जाती हैं. ठीक है जी, 5 चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी. उसके बाद आप क्या करते हो, रिस्क फैक्टर्स को देख लेते हो. रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं बीमारी के लिए, कि भाई बंदा जो है वो जॉब करने जा रहा है और अगर वो अकेला जा रहा है और सोशल एंजाइटी के साथ है, तो कहीं पे भी उसे क्राउडेड बस मिलेगी, कोई भी क्राउडेड स्टेशन मिलेगा उसे, तो डेफिनेटली उसकी तो बीमारी जो है वो इलिसिट हो जाएगी, सही है ना. तो इस किस्म के फैक्टर्स कहलाते हैं रिस्क फैक्टर्स. उसके बाद हम जेंडर रिलेटेड फैक्टर्स देख लेते हैं. जेंडर रिलेटेड फैक्टर्स क्या होते हैं, मेन एंड वुमेन आर नॉट इक्वली डिस्पोज टू एनी इलनेस. मर्द और औरत जो है वो इक्वली जो है वो किसी बीमारी को इलिसिट नहीं कर रहे होते, यानी कि मर्दों की रेशो अलहदा होती है, खवातीन की रेशो अलहदा होती है. अब मजीद इसके बारे में अगर क्लियर कट क्वेश्चंस पूछते तो डेफिनेटली उसके लिए हम मजीद एक सेमिनार या वर्कशॉप जो है वो रख सकते हैं. अच्छा, कल्चरल रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं. कल्चरल रिलेटेड क्या होती हैं, जैसे कि हम बाहर देखते हैं, अभी मैं अपने एक टीचर का बहुत अच्छा लेक्चर सुन रही थी, उन्होंने बताया कि कल्चरल रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, कि अगर बाहर वेस्ट में कोई 18 साल का बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है, तो उसको बस इस तरह देखा जाता है, क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, ओ माय गॉड यू आर सच अ डिपेंडेंट पर्सन. और जब भी हम मशरिक यानी अपने एशिया की तरफ देखते हैं, तो स्पेशली पर्टिकुलरली पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे तो आखिरी उम्र तक बच्चे अपने वालदैन के साथ रहते हैं, बल्कि उनका सहारा होते हैं. तो ये कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं. यही चीजें जो है वो फिर बीमारियों के लिए भी कल्चरल डिफरेंसेस के तौर पर देखी जाती है, कि वहां पे जो है वो बीमारी डिफरेंट तरीके से आ रही है, उसको कबूल किसी और तरीके से किया जा रहा है, वैलिडेट किसी और तरीके से किया जा रहा है, हुकूमती सरपरस्ती अलहदा है. और ये चीज सिर्फ मैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए नहीं कहूंगी, मैं गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी कहूंगी, कि वेस्ट में बकायदा उनकी इंश्योर्ड चीजें होती हैं, उनकी जॉब में जो है उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिली हुई होती हैं, जबकि हमारे मुल्क में अगर देखा जाए तो फिलहाल के तौर पर ये सिस्टम अभी इतना बेहतर तरीके से राइज नहीं है कि हर फर्दन बंदा जो है इससे फायदा उठा सके. तो जी, ये कल्चरल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे थे. उसके बाद हम देख लेते हैं सुसाइडल तो नहीं है बंदा, ये लाजमी चेक कर लें, क्योंकि अगर तो सुसाइडल है तो इसके लिए फिर पूरी टीम को मिलकर काम करना पड़ता है और उसके फिर पैरामीटर्स अलग होते हैं.
फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस को देख लिया जाता है, इन तमाम फैक्टर्स को मद्देनजर रखकर जो भी कॉन्सिक्वेंस निकल सकता है, यानी कि वो बंदा सुसाइडल हो सकता है, नहीं सुसाइडल नहीं हो सकता तो वो बंदा जो है मजीद बीमारी में जा सकता है, मजीद बीमारी में नहीं जा सकता, तो क्या आपने हिस्ट्री और आपने MSC और आपने ट्रीटमेंट प्लान इतना अच्छा बनाया था कि बंदा जो है वो किसी पॉजिटिव फंक्शनल कॉन्सिक्वेंस की तरफ जाए, तो ये चीज देख ली जाती है। उसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस और कोमॉर्बिडिटी देख ली जाती है। मिसाल के तौर पे मेरे पास अभी रिसेंटली एक केस आया था, उसमें जो है अमूमन जब मैं पैनिक डिसऑर्डर के साथ या सोशल फोबिया के साथ जो है पेशेंट्स को ट्रीट कर रही होती हूँ, तो फिलहाल के लिए मेरी प्रैक्टिस में यानी वो अकेली ही बीमारी प्रेजेंट कर रही होती है, फोबिया के साथ कोई और फोबिया हो जाएगा, एंजाइटी डिप्रेशन निकल आएगा, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने कुछ केसेस किए हैं और उसके अंदर डिसोसिएशन के सिम्टम्स आ रहे थे, तो आई वॉज रियली सरप्राइज कि अच्छा ये भी इस तरह का भी केस आ सकता है। तो ये देख लिया जाता है कि कोमॉर्बिडिटी किस चीज के साथ है। इसके बाद डेफिनेटली जी ट्रीटमेंट प्लान आ जाता है। ट्रीटमेंट प्लान में हम क्या देखते हैं, हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म थेरेपी के मिसाल के तौर पर अभी मैंने जो रिसेंटली केस किया था, उस बंदे को ओवर थिंकिंग भी बहुत ज्यादा हो रही थी, उस बंदे के लिए डिसोसिएशन के सिम्टम्स आ रहे थे, उस बंदे के अंदर फोबिया के सिम्टम्स आ रहे थे, उस बंदे के अंदर सोशल एंजाइटी के सिम्टम्स आ रहे थे। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये मेरी टीचर भी कहा करती थी कि इलेक्टिक अप्रोच रखा करो, ये नहीं होता कि आपने जो है अगर कॉपी पे लिखा हुआ है फैमिली थेरेपी चाहिए तो आप भी जाके लिखा होगा फैमिली थेरेपी इसको चाहिए। चाहिए भाई, फैमिली थेरेपी के साथ मजीद क्या क्या चीजें चाहिए जो इसके सिम्टम्स को थोड़ा काम डाउन कर दें, थोड़ा सरफेस लेवल पे ले आए, उसके बाद जो है दवाई, चलो दवाई भी हो सकता है सरफेस लेवल पे ले आए, और अगर दवाई की जरूरत नहीं है तो साइकोलॉजिकल जो इंटरवेंशन है वही सरफेस लेवल पे ले आए, इंसान का दिमाग जो उलझा हुआ है वो सुलझ जाए, सुलझने के बाद उसको चीजें क्लियर नजर आनी शुरू हो जाए और यू सिम्टम्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सबसाइड हो जाए। तो आपने क्या करना होता है कि मैंने क्या किया, उस बंदे को फिलहाल के तौर पर मैंने ओवर थिंकिंग थॉट रिकॉर्ड चार्ट पकड़ाया और मैंने उस बंदे को कहा कि आप जो है जो हमारी ये PMR और बिहेवियरल एक्सरसाइजेज होती हैं, डीप ब्रीथिंग, PMR और योगा वगैरह, ये चीजें बताई। मैंने कहा पहले अपनी इन सिम्टम्स को सबसाइड करो, हफ्ता दो इन चीजों में लो, इनको कंट्रोल करो, उसके बाद हम आपकी जो है फोबिया की तरफ आते हैं, क्योंकि वो बंदा अभी कहीं जॉब नहीं कर रहा था, क्योंकि वो बंदा अभी कहीं सोशल नहीं था ज्यादा, तो मेरे पास मार्जिन था कि मैं एटलीस्ट हफ्ता डेढ़ उसको जो है सरफेस पे लेकर आऊं, जब थोड़ी थोड़ी चीजें उसकी समझ में आना शुरू हो, उसको हल्का हल्का समझ आए कि वो गोल अचीव कर सकता है इस बीमारी के बावजूद भी, अपने ऊपर कंट्रोल गेन कर सकता है इस बीमारी के बावजूद भी, तो ही मैं उसको फोबिया की तरफ लेके जाऊँ, यानी फोबिया की जो ट्रीटमेंट होता है ERP वगैरह होती है, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी जो होती है उसकी तरफ मैं लेकर जाऊँ उसे। ठीक है, तो ये होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स और ये होते हैं और जिस तरह मैंने डिफाइन किया लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। तो इस तरह से आप ट्रीटमेंट प्लान को जो है वो मैनेज करते हो। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन दे आर मोर देन वेलकम, प्लीज। जी मिस खदीजा, मैं एक सवाल करूंगी कि पेशेंट अगर विलिंग ही नहीं है, वो उसको आइडिया है कि वो बीमारी का शिकार है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पैनिक अटैक का पेशेंट है और वो क्या होता है कि रात को खौफ से वो उठ जाता है नींद से और फिर इसलिए नहीं सोचता कि मैं उस ड्रीम में दोबारा चले जाऊंगा, हालांकि वो कोई डरावनी ड्रीम नहीं है, नॉर्मल सी चीज है कि जैसे कोई टास्क कम्प्लीट नहीं कर पा रहा या कोई नाराज हो गया, सो इस टाइप की चीज है, तो और वो उसको पता है, वो दिखावा ये करता है कि वो ठीक होना चाहता है बट उसका जो बिहेवियर है वो बताता है कि वो नहीं ठीक होना चाहता, ये इसको हम, मेरा ख्याल में ये पर्सनालिटी इशू भी हो सकता है जैसे कि वो अटेंशन गेन करने के लिए ऐसा कुछ, तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। अच्छा, अटेंशन गेन करने की मुझे समझ में नहीं आई कि वो बंदा दिखावा कर रहा है कि मैं ठीक होना चाहता हूँ मगर इंटरनली वो चाहता नहीं है, तो ये देखिए मैडम, हमें अक्सर शुरू शुरू में तो मैं बहुत फोर्सफुल होती थी कि नहीं नहीं पेशेंट को हम जाके ठीक करेंगे, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता जो सीनियर्स ने बातें कही हुई थी उनकी बातों को कबूल किया, समझ लिया और वैलिडेट किया कि अगर कोई बंदा खुद ठीक नहीं ना होना चाहता तो अब साइकोलॉजिस्ट के पास जादू की छड़ी नहीं होती। ठीक है, अक्सर हमारी सेक्रेटरी में जहाँ पे मैंने इन चीजों की तरबियत हासिल की वहां पे क्वेश्चन होता था कि अगर कोई सेक्रेटरी पॉपुलेशन का बंदा है और वो दूसरों के लिए और अपने लिए हार्मफुल है, मिसाल के तौर पे सुसाइडर, ठीक है, तो उसको तो जवाब ये आता था कि भाई उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके जरिए हम हेल्प आउट करवा सकते हैं इस हद तक कि उसको बांध के दस्ती हम पृथ्वी के तक ले आए। ठीक है, अगर कहें कि वो बंदा अपनी मर्जी के बगैर सिर्फ और सिर्फ आउटर हेल्प से ठीक हो जाएगा तो ये मुमकिन नहीं है। ताली अमूमन दो हाथों से बजा करती है,
और ये चीजें किताबों में अमूमन आइंदा एक्सपोजर होगा, तो मैं साइंटिफिकली जो बेस्ड एविडेंस बेस्ड जो बातें होती हैं वो मैं कह सकूंगी आपके सवाल के मुताबिक, मगर मेरा तजर्बा अब तक ये कहता है कि ताली अमूमन दो हाथ से बजती है, यानी कि अगर पेशेंट ठीक होना चाहता है, चेंज अपने अंदर लेकर आना चाहता है तो ही वो थेरेपी लेगा, और अगर वो चेंज लेकर नहीं आना चाहता तो साइकोलॉजिस्ट के पास जादू की छड़ी नहीं होती, वो कुछ भी नहीं कर सकते। मिस खदीजा आपने तो सारे रिहैब्स का बिजनेस बंद करा देना फिर तो। मैडम ऐसे मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि जहाँ तक बात है इन्फॉर्म, इसमें हम टर्म यूज करते हैं ना इन्फॉर्म कंसेंट की, कि एक बंदा फॉर एग्जांपल आता है और वो विलिंग ही नहीं है ट्रीटमेंट के लिए, या जिस तरह इन्होंने बताया कि वो आ रहा है लेकिन शो ये कर रहा है कि वो ठीक होना चाहता है, अंदर से ठीक नहीं होना चाहता, उसमें काफी सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एज फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर जो पेशेंट है या क्लाइंट है वो इस तरह हरकत करता है। फॉर एग्जाम्पल टीनेज में बहुत से कन्फ्लिक्ट होते हैं बच्चों के पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स उनको जबरदस्ती ला रहे होते हैं कि जी उस बच्चे के साथ इशू है, ये है, तो आपको वो फैक्टर देखना पड़ता है। सेकेंडली जब आप रेपो बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, लास्ट सेशन में भी हमारी ये बात हुई थी कि डिफरेंट किस्म के क्लाइंट्स के साथ डिफरेंट किस्म की रेपो बिल्डिंग करने की जरूरत होती है। बच्चा होगा तो आपको उसके लिए साथ डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हुए उसके साथ एक फ्रेंकनेस डेवलप करनी है जिसके अंदर आपको अपना मसला जो है वो एक्सप्लेन कर सके। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल क्लाइंट है और मैं एक मेल जो है थेरेपिस्ट बैठा हूँ या साइकोलॉजिस्ट बैठा हूँ, तो जाहिर बात है बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो मुझसे शेयर नहीं करना चाहेगी, तो उस सूरत में जो है एक फीमेल थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट का होना जरूरी है। तो डिफरेंट फैक्टर्स को देखने के बाद ही इस तरह का डिसीजन लिया जा सकता है। सही, थैंक यू। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन अब है हमारा कि रिपोर्ट केसेस को रिपोर्ट कैसे किया जाता है, जैसे साइकाइट्री के अंदर के हम डिफरेंट तरीके से रिपोर्ट करते हैं, और जैसे हमारा एजुकेशनल वर्क होता है उसमें जो हम केस रिपोर्ट्स बनाते हैं उसका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, तो थोड़ा उस हवाले से जो साहब हम बता दें। मेरा ख्याल है अगर बारी साहब इसके बारे में बताएं तो बेहतर होगा। जी जी अब्दुल बारी, सॉरी अब्दुल बारी से। जी जी थैंक यू। उसका इसमें कुछ चीजें नोट करने की जरूरत है। एक तो आपको फॉर्मेट होगा जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, जो आपका इंस्टीट्यूट है या जो हॉस्पिटल है उसका एक फॉर्मेट होगा केसेस को नोट डाउन करने का, तो एक तो आप वो बनाएंगे। इसके अलावा आपने अपनी यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज या जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और वहाँ पे आपने एक रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है इंटर्नशिप के बाद कि आपने इन केसेस को लिया और आपने उसमें क्या क्या किया, तो वो आपने जितनी इसकी हिस्ट्री टेकिंग ली, जितने आपने टेस्ट अप्लाई किए उन टेस्ट, जब एक चीज और याद रखेंगे जब आप टेस्ट अप्लाई करेंगे तो उनके रिजल्ट्स से उनकी कॉपीज आपके पास होनी चाहिए ताकि आप जब अपना केस को प्रेजेंट करेंगे डिपार्टमेंट में तो वो आप साथ में उसको अटैच कर सकते हैं, तो ये एक वैलिडेशन हो जाती है कि आपने बकायदा प्रॉपरली केस को जो है वो अटेंड किया है। तो फॉर्मेट जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है, आप अपने इंस्टीट्यूट से पता कर सकते हैं कि वो फॉर्मेटिंग की गाइडलाइंस आपको बताएंगे किस तरह से आपने फॉन्ट साइज चीजें ये जो है रिपोर्ट किस तरह से जो है बनानी है, तो आप वहां से पूछ सकते हैं। जनरली जो है चीजें सेम रहेंगी जो आप इंस्टीट्यूट में लिख रहे होते हैं या अपने हॉस्पिटल में लिखेंगे, कुछ स्पेसिफिक चेंजेस हो सकती हैं आप उनको देख लें, तो रिपोर्टिंग फॉर्मेट जो वो आपका इंस्टीट्यूट आपको गाइड कर देता है कि आपने किस तरह से बनाना है। उसमें हिस्ट्री टेकिंग लिख लेंगे, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन की डिटेल्स को लिख लेंगे, उसके अलावा जो है डायग्नोसिस जो है आपने किस बेस पे किया उसको लिख सकते हैं, डीएसएम की कोडिंग जो है वो आपने साथ नोट डाउन करनी है कि डीएसएम की किस डिसऑर्डर की कौन सी कोडिंग। कोडिंग इसलिए यूज की जाती है कि फॉर एग्जांपल एक डिसऑर्डर के अंदर बहुत सी कैटेगरीज भी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बाइपोलर की बात करें तो बाइपोलर के अंदर तीन किस्म के डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर वन है, टू है, एक तीसरी टाइप भी है, तो वो फिर आप जब कोडिंग को यूज करते हैं तो उससे क्लियर हो जाता है कि हम इस स्पेसिफिक डिसऑर्डर और फिर उसके अंदर सब टाइप्स हैं, तो सब टाइप्स के हिसाब से आप कोडिंग को जो है साथ लिख देते हैं। तो ये उसका एक रिपोर्ट फॉर्मेटिंग का जो है स्ट्रक्चर है। डिग्री रिक्वायरमेंट की जहाँ तक बात है, जहाँ तक मुझे आइडिया है एमएससी और जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 5 केसेस को प्रेजेंट करना जरूरी होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी की सेटिंग में। अगर आप किसी और एरिया में जाके इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं तो जाहिर बात उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो उससे डिफरेंट होगी। तो आप 5 केसेस जो है उनको पाइल अप करेंगे, उनको बनाएंगे और तो वो आपका एक प्रॉपर जो है एक आपकी रिपोर्ट बन जाएगी, इंटर्नशिप की क्लिनिकल इंटर्नशिप की रिपोर्ट बनेगी और उसके बेस पे फिर आप जो है उसको रिपोर्ट को जो है सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारे मंथली सेशंस होते हैं साइक स्पॉट के प्लेटफॉर्म से, एक्चुअली हमारा ये टॉपिक नहीं था, मेरे जहन में एक और टॉपिक था और हम स्पीकर से भी टाइम ले चुका था,
हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है हम काउंसलिंग साइकोलॉजी भी करना चाह रहे हैं कि बहुत से लोग जो है वो काउंसलिंग और क्लिनिकल साइकोलॉजी को जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और उसके अंदर कंफ्यूज होते हैं, हालांकि ये दो जो है डिफरेंट सेपरेट डोमेन्स हैं और दोनों का एरिया ऑफ और टारगेट पॉपुलेशन काफ़ी डिफरेंट है। तो लेकिन बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि हम इंटर्नशिप के बारे में कोई गाइड नहीं कर रहा, तो हम उस वाले से गाइड करें। अनफॉर्चुनेटली आप आज के सेशन में देख रहे हैं तो बच्चे यहाँ पे वो बच्चे भी नहीं हैं जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था। तो मैंने तो उन बच्चों के कहने की वजह से ये टॉपिक रखा था क्योंकि ये टॉपिक बार बार रिपीट हो चुका है, पहले भी हम एक दो तो सेशन इसके ऊपर कर चुके हैं, ये दोबारा एक और चीज़ हो रही है। तो सिर्फ ये चीज़ के आप सेशन को काइंडली अटेंड किया करें। अब मैंने एक और चीज़ नेट के ऊपर देखी है कि लोग DSM आपको पढ़ाना सिखाने के सिर्फ आपको बताने के लिए यूज़ किस तरह करते हैं, उसके पैसे आपसे चार्ज करते हैं। DSM कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जब आप उसको अंडरस्टैंड कर लें तो वो आपने लफ्ज़ बलफ्ज़ याद भी नहीं करना, वो एक रेफरेंस मैनुअल है। तो इस तरह के सेशन जो हो रहे होते हैं फ्री ऑफ चार्ज होते हैं, आप लोगों ने सिर्फ अपना टाइम इसमें देना होता है, तो इसको ज़रूर अटेंड किया करें। और हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो इंशाल्लाह हम काउंसलिंग साइकोलॉजी के ऊपर करेंगे, उसके डोमेन के ऊपर, और काउंसलिंग की जो बेसिक स्किल्स होती हैं उनको जो है लर्न आउट करने की कोशिश करेंगे। BS लेवल पर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो एक चीज़ जहन में रखें कि आपने इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं सीखनी कि आपने किस तरह से पेशेंट्स को डील करना है, ये आप नेक्स्ट लेवल पे जाकर सीखते हैं क्योंकि आपने भी पढ़ा नहीं है उस वाले से ट्रीटमेंट के हवाले से। आप इसमें असेसमेंट आपको आनी चाहिए कि किस तरह का असेस करेंगे किसी पेशेंट को, डायग्नोसिस की तरफ किस तरह जाते हैं, तो ये चीज़ें बेसिकली आपने BS लेवल के ऊपर जो है लर्न आउट करनी होती हैं ताकि आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि नेक्स्ट आपके पास कोई पेशेंट आता है, आप सेटिंग में काम कर रहे हैं या आप काम नहीं कर रहे, फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आपके पास कोई पेशेंट है, आपकी फैमिली से है, फ्रेंड से है, तो आपको इतना अंडरस्टैंड होना चाहिए कि इसके साथ ये इशू है और आप मुझे इसको किस मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की तरफ रेफर करना चाहिए, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिस्ट की तरफ रेफर करना है या साइकेट्रिस्ट की तरफ रेफर करना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जहां रोल्स की बात आती है कि मेंटल हेल्थ की सेटिंग्स के अंदर डिफरेंट प्रोफेशनल्स का डिफरेंट रोल है। हमारे साइकोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा गलती करते हैं जो मैंने देखी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने दो साइकेट्रिस्ट के साथ काम किया है तो उनका एक पूरा डोमेन है अपना, फार्माकोलॉजी की डोमेन जो है उसमें मैं नहीं जाऊँगा, मैं उनको कभी भी इस तरह से नहीं बताऊंगा कि सर आपने ये मेडिसिन क्यों दी है, कैसे दी है। हाँ मेरा कोई कंसर्न है तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ। तो मैंने बहुत से साइकोलॉजिस्ट देखे हैं जो पेशेंट्स को मिसगाइड कर रहे होते हैं कि जी ये दवाई तुम्हें डॉक्टर साहब ने दी है तो गलत दी है, इस तरह से ये काम नहीं करने। आपके अपनी डोमेन है, आप सोशल और बिहेवियरल सेटिंग्स के अंदर काम करेंगे, आप उसको रिहैब करने की कोशिश करेंगे उस पेशेंट की। फार्माकोलॉजी की जो डोमेन है वो हमारी डोमेन नहीं है, वो साइकेट्रिस्ट की डोमेन है। तो फाइनली इन चीज़ों का आपने इंटर्नशिप के दौरान जो है वो ख्याल रखना। जी थैंक यू बिलबारी। मिस खदीजा आप कोई फाइनल नोट देना चाहें? जी बिल्कुल, फाइनल नोट मैं यही देना चाहूंगी कि बहुत अच्छी होस्ट हमें मिली है आज और बारी साहब ने एज यूजुअल बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, ग्रिप हो गई उस टॉपिक के ऊपर, पहले से जानते थे, मानते थे, पहचानते भी थे इन चीजों को, लेकिन बारी साहब जब भी एक्सप्लेन करते हैं तो वो चीजें जाके एक तरह से आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो फिर हिलते नहीं हैं। तो थैंक यू सो मच बारी साहब फॉर इनवाइटिंग मी एज अ गेस्ट एंड थैंक यू सो मच मैडम फॉर कोऑर्डिनेटिंग द सेशन। सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगी। थैंक यू। ऑडियंस में से अगर कोई सवाल करना चाहे? ऑडियंस में से कोई सवाल करना चाहे अगर? आई गेस सबको बड़ा अच्छे से क्लियर हो गया। थैंक यू खदीजा एंड बिलबारी। ऑडियंस से गुजारिश है कि हम तीनों जो उनसे है मैं तजीना इसका ठीक है और जो दोनों स्पीकर हैं उनके चैट से जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनके स्टेटस पे आपको हमारा व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें और उसको काइंडली आगे शेयर करें ताकि जो उनसे बाकी लोग भी इस चीज़ से मुस्तफीद हो सकें, क्योंकि आजकल फ्री, वाकई अब्दुल बारी की बात बिल्कुल ठीक है कि फ्री इतना अच्छा कोई भी नहीं पढ़ाता ठीक है, तो बड़ी सिलेक्टिव ऐसे लोग हैं जो ये कर रहे हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा प्रमोट करें ताकि जो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो उनसे इस चीज़ को सीख सकें ठीक है। मेरे ख्याल में सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू दोनों स्पीकर्स का आने का और इंशाल्लाह फिर अगले महीने हमारे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी थैंक यू इसका, थैंक यू टू ऑल पार्टिसिपेंट्स फॉर टेकिंग देयर टाइम। उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी सेशन में। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।